आज का ब्लॉग थोड़ा सा रैंडम है। मैं लेने आई थी लैपटॉप, डेल, एचपी, लेनेवो, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, सब तरीके के लैपटॉप्स मैंने देख लिए, एप्पल भी देख लिया था, सब रिसर्च करके भी आई हुई थी। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया था कि मैं एचपी एनवे 360 डिग्री लैपटॉप लूंगी, लेकिन ये सिर्फ 512 GB था, वेयर एज ये एचपी का प्रीमियम लैपटॉप 1 TB का था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल कंडीशन हो गई थी, मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रही थी। अमाउंट भी बहुत ज़्यादा था, सारे 80 to 1 lakh के बीच में थे प्रीमियम लैपटॉप्स एज अ क्रिएटर जो मुझे चाहिए थे। मैं पिछले 10 साल से एक ही लैपटॉप यूज़ कर रही थी, लेकिन फिर फाइनली मैं डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर इट, जो डिसाइड किया है, जो मन कह रहा है उसी को ही ले लो, जो होगा देखा जाएगा। बिल देख करके तो मुझे एंग्जाइटी हो ही जाती है। एनीवेज जब लैपटॉप हाथ में आया तो काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली। मैं पिछले 10 साल से एक ही लैपटॉप यूज़ कर रही थी, उसे रिपेयर करने में काफ़ी अमाउंट भी खर्च हो जाता था, तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। अकम्प्लिशमेंट्स तो अच्छी लगती हैं छोटी छोटी। तो यही था मेरा आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।